समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिली, उसके बाद से आप जरा उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा जो घटनाएं नाम दी जा रही उनको देखिए, किस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है। कन्नौज चलिए, वहाँ समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह यादव एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसके बाद जब कार्रवाई की मांग होती है, बच्ची खुद वीडियो बनाती है, उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी होती है कि वो वीडियो बनाती है और जब कार्रवाई की बात होती है बच्ची की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, पहले डीएनए टेस्ट करें। कोर्ट में डीएनए टेस्ट भी प्रूव होता है, नवाब सिंह यादव की पार्टी के बड़े नेता। आप अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ जिस प्रकार से नृशंसता होती है, गैंगरेप होता है, और गैंगरेप करने वाला कौन निकलता है? समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता मोहित खान। समाजवादी पार्टी वहां भी उस दलित बेटी के चरित्र हनन का प्रयास करती है, कहती है डीएनए टेस्ट लाओ तब मानेंगे, और आखिरकार में पूरी घटना सही निकलती है, कार्रवाई होती है। आप कुशीनगर आइए, समाजवादी पार्टी के नेता जाली नोट बांट रहे हैं, जाली नोट बेच रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, तो ये इनका चरित्र है। कुछ सीटें लोकसभा में जब से आई है समाजवादी पार्टी को, उसके बाद से गांव गांव में समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उतर पड़े हैं, अराजकता कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहे हैं, जो गैर कानूनी काम वो पहले करते थे 17 से बंद कर रखा था, उनको लगता भी नहीं हमारी सीटें आ गई, उन्होंने करना शुरू कर दिया। और कुशीनगर की घटना तो बहुत गंभीर है, तमाम सारे बड़े लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं। भारतीय मुद्रा जाली मुद्रा बनाकर, भारतीय नोट जाली, इतने बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, बर्बाद करने का प्रयास है, उसमें नेपाल का भी लिंक है। तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उस घटना में शामिल है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी मानसिकता है। और जब जब समाजवादी पार्टी को थोड़ी भी ताकत मिली है, थोड़ी भी ऊर्जा मिली है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का प्रयास किया है। देश और देश की जनता देख रही है, इनको 17 में जवाब दिया था, इनको 19 में जवाब दिया था, इनको 22 में जवाब दिया, 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा प्रधानमंत्री बने, इनको जवाब समाज को देगा।